बीबी जादूगर नहीं होती, खान को भी कोई मैना तोता बना के कंधे में बिठाती और साथ ले आती। आज हमने ना जैसे आज़ादी का एक पहला सांस हमें मिला है, तो आज एक सांस और इंशाल्लाह अगला सांस इमरान खान और उसके बाद जितने हमारे सीरान हैं और फिर पूरे 25 करोड़ आवाम के लिए आज़ादी का सांस। खान के साथ हम इसलिए कर रहे हैं कि खान पाकिस्तान के लिए लड़ता है, इंसाफ के लिए लड़ता है, सारी दुनिया इस पर फख्र करता है, सारी दुनिया उनको मानता है। बीबी साहबा पहुँच गई हैं, हम उम्मीद है इंशाल्लाह बानी पीटीआई इमरान खान ने आज भी इंशाल्लाह यहाँ पहुँचेंगे। बनी गाला की एक जो सरगर्मियाँ थी वो बहाल हो चुकी हैं और इस वक्त यहाँ पर चौक दर चौक लोग जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं, कारकुनान इकट्ठे हो चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तहद निगाह लोग हैं यहाँ पर और मैक्सिमम यहाँ पर चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और सबसे लोगों की यही ख्वाहिश है कि वो मैक्सिमम यहाँ पर पहुँचें, लोगों से बात करें, अपनी प्रेजेंस को यहाँ पर शो करवाएँ। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, शहनया नजीब खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम बड़ी दूर से बड़ी जल्दी पहुँच गई है कि यहीं पर थी? नहीं, मैं बाई चांस इधर थी। अच्छा, तो आई एम फ्रॉम डीजी खान, आपको पता ही है। तो मुझे इतनी खुशी है ना कि आज हमने ना जैसे आज़ादी का एक पहला सांस हमें मिला है, तो आज एक सांस और इंशाल्लाह अगला सांस इमरान खान और उसके बाद जितने हमारे सीरान हैं और फिर पूरे 25 करोड़ आवाम के लिए आज़ादी का सांस इंशाल्लाह। कौम को बहुत मुबारक हो। अच्छा, आज तो बुशरा बीबी यहाँ पर आ गई हैं, तो आप कब तक देख रही हैं कि खान साहब भी यहाँ पर आ जाएंगे? मुझे लगता है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। एक्चुअली ना अवाम ने अब उनके लिए निकलना है, उनके लिए अवाम को जैसे कहते हैं ना गिरती हुई दीवारों को एक आखिरी धक्का, तो वो अवाम पूरी को निकलना पड़ेगा। कम अज़ कम 5 से 10 लाख अवाम, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी हम निकलेंगे और बहुत जल्द इमरान खान हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द इमरान खान हमारे दरमियान होंगे। एक और साथी हमारे से मौजूद है, सर क्या कहते हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, आज खुशी का दिन है। मैं संचन में से हम पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी रुकन हूँ। खान के साथ हम इसलिए कर रहे हैं कि खान पाकिस्तान के लिए लड़ता है, इंसाफ के लिए लड़ता है, सारी दुनिया इस पर फख्र करता है, सारी दुनिया उनको मानता है। पाकिस्तानी नहीं, सारी दुनिया के मुसलमान, आज अमरीका में यूरोप में जाओ सर मुसलमान को पसंद कर, क्यों? क्यों वो हक पर है, वो हक इंसाफ। ये इमरान खान की जीत है, ये खुशी का दिन है। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा फजल किया है। इमरान खान की जो बीबी है ये भी गुनाह थी और इमरान खान में भी गुनाह है, सबको पता है, सारी दुनिया सबको पता है जी। बहुत जल्द खान साहब भी बाहर आएंगे, रहा होंगे, और ये रुकावटें वगैरह जो हैं यहाँ पर रखी गई थी वो अब इस्टेब्लिश हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ने अपना जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दिए थे। और यहाँ पर इस टाइम मैं आपको लेके चलता हूँ जो बनी गाला रहायश गाह का जो सेकंड बैरियर है, एक तो मेन बैरियर है जहाँ पर गाड़ियों को रोका जाता है, उसके बाद अगली दूसरा बैरियर स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर लेके जाता हूँ। यहाँ पर भी ख़वातीन कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द अंदर जाएँ और जाके बुशरा बीबी के साथ मुलाकात कर सकें। मेरा कैमरा मैन जो है आपको दिखा सकते हैं, देखें जी ख़वातीन जो हैं यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठी हुई हैं, नारेबाजी हो रही है और इमरान खान बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो हो रही है। और ये तमाम लोग ख़वातीन विंग से हैं और मखसूस नशस्तों के भी हवाले से भी इनकी एक बड़ी कावश रही है और ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है। कमर शोज़ब जो है इसको लीड कर रही हैं, इस्लामाबाद की बॉडी मौजूद है, रावलपिंडी की बॉडी यहाँ पर मौजूद है, अमरी से भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, डेरा गाजी खान से, भावलपुर से, मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कारकुनान जो हैं यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर सबकी एक ही ख्वाहिश है कि मैक्सिमम यहाँ पर बानी तहरीके इंसाफ की अहलिया के साथ यहाँ पर मिला जाए और उनको बताया जाए अपने ख्याल से गाली के जो जज्बात हैं वो उन तक पहुँचाए जाए। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी हो रही है, आँखों में खुशी, चेहरे पर खुशी और ये तमाम तक चीज़ें जो है ख़ासतौर पर इस तमाम तक सूरत जो उनकी कानूनी टीम है उसकी बड़ी जो है काविशें नज़र आती हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। जी मैडम फूल लेके आ गई हैं, तो मैडम लेके आ गई हूँ, बनी गाला पहुँच गई हूँ, बीबी साहबा पहुँच गई हैं, हम उम्मीद हैं इंशाल्लाह बानी पीटीआई इमरान खान ने आज भी इंशाल्लाह यहाँ पहुँचेंगे और हम उनके मिलने के मुंतजर हैं। जब खान साहब आएंगे तब इतने फूल लेके आएंगे? फूल लेके आएंगे बहुत, इससे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम हाथ खाली न लेके आते, ठीक है, इंशाल्लाह फूलों के रस्ते फूलों से भर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आज मिठाइयाँ नजर नहीं आ रही, सिर्फ फूल नजर आ रहे हैं।
अभी हमें वहाँ तक पहुँचने तो दें, इंशाल्लाह मिठाइयाँ भी नजर आएंगी, आपको मिठाइयाँ भी खिलाएंगे मिठाइयाँ भी खिलाएंगे जी मैडम आप क्या कहती हैं कि आप जस्ट कैसी लड़ती रहेंगी या मिठाइयाँ भी खाएंगी? नहीं इंशाल्लाह मिठाइयाँ आएंगी, बहुत सारी ढेरों मिठाइयाँ आएंगी और फिर खान साहब भी आएंगे और बस क्योंकि अभी बीबी आई हैं और अब लोग भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से एकदम से रश बढ़ गया है, फूल ही फूल है और मिठाइयाँ। ख्याल है कि यहाँ पर हलवाई को बिठा लेना चाहिए। बिल्कुल, अभी खुशी का मौका है, बस हमारी खुशी तब कम्प्लीट होगी जब खान साहब भी आएंगे। खुशी तब कम्प्लीट होगी और लोग मौजूद हैं। मैडम क्या कहती हैं, खुशी का मौका है आज, एक पहला कतरा जो है वो बस यही तो हम खुश हैं कि देखें जब रात बहुत गहरी हो जाती है ना उसके बाद सवेरा होता है, ये वो वाली बात है। हम लोग बड़े परेशान थे जो ये तरमीम हो रही और सब, इसके बाद हमारा जो था ना एक एक इतना 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 दुख था और अब अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसके अल्लाह ने खुशी की खबर दी और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी हमें यकीनन यकीनन खुशी की आगे हमें दिखाएगा आगे हमें। मुबारकबादें चल रही हैं। शुक्र है शुक्र अल्लाह की, पहली खुशी की खबर आई। क्या क्या पीरनी को क्या हुआ? अगर बीबी जादूगरनी होती खान को भी कोई मैना तोता बना के कंधे में बिठाती और साथ ले आती तो आप ख्वाहिश करती हैं उनको जादू आना चाहिए? नहीं, वो जादूगरनी होती तो इतनी तकलीफें सुबते उठाती वहाँ पे बैठी हुई, उन किसको शौक होता है अपना घर बार छोड़ के वहाँ बैठे। आप इनसे भी बुशरा बीबी के बारे में ये है कि मुइजा ही हुआ है जो बुशरा बीबी आ गई है और 26वीं तरमीम के बाद तो ये वाकई बहुत बड़ा मुइजा है। अब दुआ करते हैं कि हमारा खान कब बाहर आएगा, अल्लाह करे जल्द बाहर आ जाए। आज तो हमने खुशी का यहाँ पर मामला देख लिया है, जब खान साहब आएंगे तब क्या सूरत हाल होगी? फिर तो आप सोच सकते हैं ना, अगर बुशरा बीबी के आने पे इतनी खुशी और यकजहती है तो फिर खान के आने पे तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा, तो हमारी ईद का दिन होगा इंशाल्लाह। दमा दम मस्त कलंदर हो गया जी, लोग ये कहते फिर रहे हैं यहाँ पर और भी ये देखें हर तरफ लोग जो हैं। आइए मैडम आप क्या कहती हैं, खान साहब जो हैं रिहा कब होंगे, तब ऐसी खुशी होगी या इससे ज़्यादा होगी? भाई बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ये तो यहाँ पे तो चंद लोग होंगे, वो तो पूरा पाकिस्तान उबर आएगा। बनी गाला में आपको रोसारी रोड इस्लामाबाद की ब्लॉक मिलेंगी, वो कोई मामूली बात नहीं है। अभी उनको इसी डर की वजह से तो उनको कोर्ट भी नहीं आने देते कि न सारे इनके जानिसार जमा हो जाएंगे, तो बस अल्लाह ताला वो वक्त लाए इंशाल्लाह। आप यकीन करें, दुआ कर रही है, हर हर बंदे की ज़ुबान पर दुआएं हैं, पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं। आप ज़रा देखें अल्लाह के घर में जाके लोग दुआ करें, मैं अभी उम्र से होके आई हूँ, मैंने इतनी दुआएं मांगी वहाँ पे, तो बस अल्लाह करे। उम्र पे जाके आपने और क्या क्या दुआ मांगी? एक तो खान साहब रिहा हो जाएं, लेकिन रिहा बुशरा बीबी हो गई पहले। देखें खान साहब का रिहा होना ना, जिन लोगों ने उनको पकड़ा था ना वो इस वजह से नहीं पकड़ा था कि उनको जल्दी से रिहा कर दें, वो अपने मुतालबात जो मनवाना चाहते थे तो वो नहीं मनवा, मान के आएंगे उनकी बात नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। वो कोई बिकने वाले और कमज़ोर इंसान नहीं है, वो होते तो वो 15 महीने जेल में पड़े होते, इस तरह सड़े होते। आपने देखा इन्होंने कितनी VIP की जेलें काटी क्राइम करने के बावजूद, पनामा में इनको मुल्क लूटने वाले बोला गया, इनको बताया गया कि इन्होंने इतना इतना कुछ। हुकूमत तो कहती है उन्होंने घड़ी चुराई है। चले अच्छा अच्छा चले अच्छा चले भाई, घड़ी चुरा ली घड़ी चुरा ली घड़ी चुरा ली या SUVs चुराई तो वो कम है या वो ज्यादा, यानी बारे करके देख लें आप ना। वो कहते हैं कि गाड़ियां जो के अलाउड भी नहीं थी, जो अलाउड भी नहीं थी वो इन्होंने किया। देखें आप पूछ रहे कि आपने वहाँ क्या दुआ मांगी, आप बिलीव करेंगे मैं वहाँ पर अल्लाह के घर का गलाफ पकड़ के मैं कहती थी या अल्लाह हमारे मुल्क के दुश्मन को बर्बाद करें, पीछे से सारे लोग जो जो सुनता था कहते आमीन आमीन, वो बोलते थे वहाँ पे ना आमीन। हमारे मुल्क के दुश्मन कौन है ये हमें अच्छे से पता है, पेंटागोनी माफिया ने हमारे मुल्क को कैप्चर किया हुआ है, हमारे सारे अदारे इन्होंने करप्ट कर लिए, अपने लोग इन्होंने बटा दिए हर जगह पर और इन्होंने हमारी हमारे खान की हुकूमत गिराई। क्यों गिराई पता है ना कि क्यों गिराई? इसलिए कि वो अपने लोगों को मरवाना नहीं चाहते थे, उन्होंने एयर बेसिस देने से इनकार किया, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। यहाँ पर तमाम तर लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं बात कर रहे हैं और यहाँ पर हर बंदा जो है एक से एक बढ़ के बात कर रहा है, सब जो चेहरे यहाँ पर खुशी से दमक रहे हैं और इंतज़ार हो रहा है कि कब खान साहब बाहर आएंगे। और ख़ास तौर पर अभी बुशरा बीबी आई हैं और यहाँ पर एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, जैसे इमरान खान आएंगे उसके बाद ये जो सेलिब्रेशन है ये डबल हो जाएगी।